संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965, उम्र 58 वर्ष, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर के छोटे भाई हैं। तो आइए जानते हैं संजय कपूर की ऑल मूवी लिस्ट के बारे में। इनकी पहली फिल्म आई थी प्रेम और ये फिल्म रिलीज हुई 5 मई 1995 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की दूसरी फिल्म आई थी राजा। यह फिल्म रिलीज हुई 2 जून 1995 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, माधुरी दीक्षित, मुकेश खन्ना, परेश रावल और बॉक्स ऑफिस पर यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की तीसरी फिल्म आती है कर्तव्य। यह फिल्म रिलीज हुई 29 अक्टूबर 1995 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, जूही चावला, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की चौथी फिल्म आती है मोहब्बत। यह फिल्म रिलीज हुई थी 19 सितंबर 1997 को। लीड रोल में नजर आए थे संजय कपूर, अक्षय खन्ना, माधुरी दीक्षित, फरीदा जलाल और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। पांचवी फिल्म इनकी आती है औजार। यह फिल्म रिलीज हुई 28 फरवरी 1997 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, निर्मल पांडे और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की छठवीं फिल्म आती है जमीर। यह फिल्म रिलीज हुई 16 मई 1997 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, शिल्पा शेट्टी, कादर खान, ओम पुरी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की इसके बाद सातवीं फिल्म आती है मेरे सपनों की रानी। यह फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1997 को। लीड रोल में नजर आए थे संजय कपूर, उर्मिला मातोड़कर, मधु, अनुपम खेर और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। संजय कपूर की आठवीं फिल्म आती है सिर्फ तुम। यह रिलीज हुई 4 जून 1999 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, प्रिया गिल, मोहनीश बहल, जॉनी लीवर, सुष्मिता सेन और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की नौवीं फिल्म आती है छुपा रुस्तम। यह फिल्म रिलीज हुई 23 मार्च 2001 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, मनीषा कोइराला, ममता कुलकर्णी, राज बब्बर और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इनकी दसवीं फिल्म आती है कोई मेरे दिल से पूछे। यह फिल्म रिलीज हुई 11 जनवरी 2002 को। लीड रोल में नजर आए जया बच्चन, संजय कपूर, अफ्ताब शिवदासनी, ईशा देओल और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म हुई थी। इसके बाद इनकी 11वीं फिल्म आती है सोच। यह फिल्म रिलीज हुई 23 अगस्त 2002 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, रवीना टंडन, अरबाज खान, अदिति और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म ही साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 12वीं फिल्म आती है शक्ति द पावर। यह फिल्म रिलीज हुई थी 20 सितंबर 2002 को। लीड रोल में नजर आए थे नाना पाटेकर, संजय कपूर, करिश्मा कपूर, दीप्ति नवल और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 13वीं फिल्म आती है कयामत। यह फिल्म रिलीज हुई 11 जुलाई 2003 को। लीड रोल में नजर आए अजय देवगन, संजय कपूर, सुनील शेट्टी, अरबाज खान और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तो एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 14वीं फिल्म आती है डरना मना है और यह फिल्म रिलीज हुई 25 जुलाई 2003 को। लीड रोल में नजर आए नाना पाटेकर, संजय कपूर, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की 15वीं फिल्म आती है कल हो ना हो। यह फिल्म रिलीज हुई 27 नवंबर 2003 को। लीड रोल में नजर आए जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। 16वीं फिल्म इनकी आती है एलओसी कारगिल और यह फिल्म रिलीज हुई 26 दिसंबर 2003 को। लीड रोल में नजर आए संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, संजय कपूर और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी 17वीं फिल्म आती है जागो। यह फिल्म रिलीज हुई 6 फरवरी 2004 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, पुरु राजकुमार और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 18वीं फिल्म आती है जूली। यह फिल्म रिलीज हुई 23 जुलाई 2004 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, नेहा भूपिया, प्रियांशु और बॉक्स ऑफिस पर ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 19वीं फिल्म आती है अनजाने। यह फिल्म रिलीज हुई थी 30 दिसंबर 2005 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, मनीषा कोइराला, तेजस्वनी कोल्हापुरी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 20वीं फिल्म आती है अंश और यह फिल्म रिलीज होती है 17 नवंबर 2006 को। लीड रोल में नजर आते हैं संजय कपूर, जूही बब्बर, रवि किशन, राज बब्बर और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित होती है। इसके बाद इनकी 21वीं फिल्म आती है दोस्त। यह फिल्म रिलीज हुई थी 5 मार्च 2007 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, पुरु राजकुमार, रूपा गांगुली प्राण और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी।
संजय कपूर की 22वीं फिल्म आती है लक बाई चांस। ये फिल्म रिलीज हुई 30 जनवरी 2009 को। लीड रोल में नजर आए थे फरहान अख्तर, ऋषि कपूर, संजय कपूर, डिंपल कबाड़िया। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी 23वीं फिल्म आती है क्रिकेट और यह फिल्म रिलीज हुई 12 जून 2009 को। लीड रोल में नजर आए जैकी श्रॉफ, संजय कपूर, शहजाद खान। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई थी। 24वीं फिल्म आती है प्रिंस। ये फिल्म रिलीज हुई 9 अप्रैल 2010 को। लीड रोल में नजर आए विवेक ओबेरॉय, नंदिनी सेन। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर की 25वीं फिल्म आती है कहीं है मेरा प्यार। यह फिल्म रिलीज हुई 2 मई 2014 को। लीड रोल में नजर आए जैकी श्रॉफ, संजय कपूर, अभिषेक सेठिया। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 26वीं फिल्म आती है शानदार। यह फिल्म रिलीज हुई 22 अक्टूबर 2015 को। लीड रोल में नजर आए शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, संजय कपूर। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 27वीं फिल्म आती है मुंबई भाई गैंगस्टर। यह फिल्म रिलीज हुई 21 दिसंबर 2018 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, ओम पुरी, महिमा चौधरी, आर्या बब्बर। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। 28वीं फिल्म आती है मुबारक खां। यह फिल्म रिलीज हुई 28 जुलाई 2017 को। लीड रोल में नजर आए अनिल कपूर, संजय कपूर, अथिया शेट्टी। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। इसके बाद इनकी 29वीं फिल्म आती है मिशन मंगल। ये फिल्म रिलीज हुई 15 अगस्त 2019 को। लीड रोल में नजर आए अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, संजय कपूर। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सुपरहिट फिल्म साबित होती है। इसके बाद इनकी 30वीं फिल्म आती है द जॉय फैक्टर। यह फिल्म रिलीज हुई 20 सितंबर 2019 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, सोनम कपूर, सिकंदर खेर। और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित होती है। इसके बाद इनकी 31वीं फिल्म आती है स्लीपिंग पार्टनर। यह फिल्म रिलीज हुई 19 फरवरी 2020 को। लीड रोल में नजर आए संजय कपूर, दिव्या दत्ता। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म साबित होती है। इसके बाद इनकी 32वीं फिल्म आती है ब्लडी डैडी। यह फिल्म रिलीज हुई 9 जून 2023 को। लीड रोल में नजर आए शाहिद कपूर, संजय कपूर, रोनित राय। और यह बॉक्स ऑफिस के OTT पर रिलीज हुई थी, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी 33वीं फिल्म आती है मेरी क्रिसमस। यह फिल्म रिलीज हुई 12 जनवरी 2024 को। इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए विजय सेतुपति, कैटरीना कैफ, संजय कपूर। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 34वीं फिल्म आई मर्डर मुबारक। यह फिल्म रिलीज हुई 15 मार्च 2024 को। लीड रोल में नजर आए सारा अली खान, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, पंकज त्रिपाठी। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी। संजय कपूर ऑल मूवी लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।